जितना भी कलेक्टेड वेस्ट है हम उसको दोबारा रिसाइकल करके सुंदर पेपर में कन्वर्ट करते हैं और अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अरे आप भी हैं तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इस फेस्टिव सीजन में हम और आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का करते हैं बता सकते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पेपर बॉक्सेस का। जी हाँ, अगर इन त्योहारों के सीजन में अगर हमें किसी को तोहफा देना है, कोई गिफ्ट देना है, तो उस तोहफे को, उस गिफ्ट को हम पेपर बॉक्सेस में अच्छे से पैक करके देते हैं। जब त्योहारों के मौसम में आपके दोस्त हमारे घर आते हैं तो वो मिठाई और बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं। वो मिठाई लाते हैं पेपर बॉक्सेस में। इवन जब आप और हम किसी बच्चे को चॉकलेट देते हैं तो वो चॉकलेट्स भी आज के समय में मार्केट में पेपर बॉक्सेस में पैक होकर आ रहे हैं। वो सब छोड़िए, एक आम बात करते हैं। आप और मैं जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो पीछे से हमारा बॉस हमें कहता है कि यार मुझे ये डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रिंट पेजेस पे चाहिए। तब आप क्या करते हैं, सभी डाटा को कलेक्ट करते हैं और इस तरह की A4 शीट पर उस डाटा को प्रिंट करके देते हैं। यानी सही मायनों में पेपर से इस पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा काम होता है और हम इसे रोक भी नहीं सकते। डिजिटल जितने भी हो जाए, पेपर का इस्तेमाल तो लगातार चलता रहेगा। और ये जो पेपर बॉक्स आप देख रहे हैं, ये पेपर बॉक्स बना है पेपर से। और अच्छी बात तो ये है कि इन पेपर्स को बनाने के लिए हमें किसी भी पेड़ को काटना नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। नमस्कार जी, मैं राजीव कुमार सिल्वरटोन पल्प एंड पेपर में काम करता हूं और मैं मशीन इंचार्ज के रूप में यहां पे कार्य करता हूं, जिस पे डिफरेंट क्वालिटी के पेपर बनते हैं जो हमारी एक आज की ज़रूरत है। यहां पे रिसाइकल प्लांट से प्रोसेस होता है। रिसाइकल प्लांट में पल्प मिल से प्रोसेस होते हुए एक टावर में पल्प को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्टॉक प्रोपेशन पे इसको लाया जाता है, जहाँ डिफरेंट टाइप की डाइयाँ इसमें मिलाई जाती हैं या जो भी क्वालिटी का पेपर बनाना है उस प्रोडक्ट के हिसाब से हम इसमें डाई केमिकल एडिशन करते हैं। केमिकल एडिशन होने के बाद हम इसको एज ए हेडबॉक्स होते हुए वायर पार्ट पे लाते हैं। बेसिकली वायर पार्ट है क्या, वो वायर पार्ट पे क्या है, हम पॉइंट मतलब वन कंसिस्टेंसी का माल पल्प लेके आते हैं और उसको 23 कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करते हैं। 23 कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट होता कैसे है, इसमें सेल्फ ड्रेनेज एलिमेंट होते हैं, कुछ हम केमिकल्स के द्वारा, कुछ अपने अलग अलग वैक्यूम जोनों के द्वारा उसको उसमें कन्वर्ट कर पाते हैं। इसके बाद हमारा पेपर फेल्ट पार्ट पे जाता है या प्रेस पार्ट बोलिए, उसमें निप लोडिंग के द्वारा उसका मॉइस्चर निकाला जाता है। वहाँ पे 46% 47% ड्राइनेस हमें मिल पाती है। इसके बाद पेपर को हम ड्रायर में ले जाते हैं, स्टीम के साथ इसको हम ड्राई करते हैं। ड्राई करते हुए हम इस पेपर को साइज प्रेस के पास ले जाते हैं। साइज प्रेस क्या है, साइज प्रेस पे हम एक पेपर पे कोटिंग करते हैं, जो आज की मेन रिक्वायरमेंट है। पेपर स्मूथ होता है, प्रिंटेबिलिटी में हेल्प मिलती है और एक स्टार्च की लेयर उस पर चढ़ा दी जाती है। कॉब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि प्रिंटिंग में जब वाटर के थ्रू इंक पास होती है तो वो पास ऑन नहीं होनी चाहिए, कॉब मेंटेन करना जरूरी है। तो हम 25-26 कॉब मेंटेन कर रहे हैं पेपर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉपियर में हम लोग स्टिफनेस और कर्लिंग मेंटेन कर रहे हैं कि प्रिंटर में वो पेपर फंसे ना और वो अच्छे से प्रिंटिंग हो। सीनियर जनरल मैनेजर फिनिशिंग एंड डिस्पैच। एक्चुअली मैं, हमारा पहले मार्केटिंग से ऑर्डर आता है,
मार्केटिंग से ऑर्डर आने का बाद जब पेपर बन जाता है जंबो रोल, पहले आता है फिनिशिंग हाउस का रिवाइंडर। रिवाइंडर में हम लोग जंबो रोल से बेबी रोल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। उसका बाद हम लोग रील ऑर्डर जो है हम लोग डायरेक्ट पैकिंग करते हैं स्ट्रेच फिल्म में, एंड उसका बाद उसको डिस्पैच करते हैं। बेसिकली सिल्वर टोन पल्प एंड पेपर जो कि एक नई उभरती हुई पेपर मिल है जो कि वेस्ट पेपर से कन्वर्ट करता है, ब्लीच करता है और पेपर बनता है जो कि राइटिंग प्रिंटिंग एप्लीकेशन में जाता है, कॉपियर में जाता है, कुछ स्पेशलिटी ग्रेड्स में जाता है। बेसिकली रिसाइकलिंग प्लांट का वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस कि बेसिकली हम प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट की तरफ जो हमारा मुहिम है वो हम उसको उसकी तरफ फॉलो कर रहे हैं कि जितना भी कलेक्टेड वेस्ट है हम उसको दोबारा रिसाइकल करके एक सुंदर पेपर में कन्वर्ट करते हैं और अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्लीन एनवायरनमेंट, हम फैक्ट्री में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्री रख रहे हैं, हमारे डिस्चार्ज जो है एज पर नॉर्म्स हैं। तो बेसिकली हम एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, गो ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ काम कर रहे हैं। तो सिल्वर टोन हम लोग आशा करते हैं कि हम आसपास के वातावरण को सस्टेन कर सकें और जिस फॉर्म में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वापस सोसाइटी को दे सकें। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर को हमने तैयार किया और मार्केट में सेल किया। अब बात कर लेते हैं क्राफ्ट पेपर की, जिनसे पेपर बॉक्सेस को बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं चलिए उसके बारे में भी थोड़ा समझ ही लेते हैं। मेरा नाम नाथिराम है, मैं सिल्वर टोन पल्प एंड पेपर मुजफ्फरनगर में वर्क करता हूँ एज ए पल्प मैनेजर। आज हम बात करेंगे क्राफ्ट पेपर के बनाने के बारे में, कैसे पल्प तैयार करते हैं और कैसे पेपर बनता है मुश्किल। तो आइए सबसे पहले पल्प की बात देखते हैं, पल्प कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले रॉ मेटेरियल जो भी हम यूज़ करते हैं, जिस ग्रेड का हमें क्वालिटी बनाना है या जो भी इसमें डिफरेंट टाइप क्वालिटी माल बनता है, जिस टाइप का भी हमें मतलब पेपर बनाते हैं उसके रॉ मेटेरियल को पहले प्रोसेसिंग करेंगे। रॉ मेटेरियल को एक मशीन का नाम है पल्पर, पल्पर में फीड करते हैं, उसमें एक तरफ से पानी आता रहता है, उधर से रॉ मेटेरियल आता रहता है, दोनों को एक मशीन के द्वारा एजिटेट किया करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद बाई पंप के द्वारा मशीन पर उसको हम भेजते हैं। शीट जितनी अच्छी बनेगी उतना ही स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, पेपर देखने में अच्छा लगेगा, ग्लोसी होगा, इवननेस होगी। फाइनल स्टेज है आपकी कैलेंडर बोलते हैं, जिससे हमारे पेपर में ग्लेज आता है, चिकनाई आती है, ग्लोस आता है, इवननेस आती है। उसके बाद हमारा फाइनल पेपर एक मदर रोल पर लिपटता रहता है, वो रैप होता रहता है, लिपटर रोल पर लिपटता है। जब हमारा जो भी मतलब टनेज वो इकट्ठा करता रहता है उसको मदर रोल के रूप में हम बना बना कर रखते हैं। स्टेज लास्ट में पन्नी रैप करते हैं या जो भी प्लास्टिक जो भी पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग करने के बाद में लास्ट में स्टोक कर लेते हैं, स्टोक करके लोडिंग पॉइंट और लोडिंग ट्रक के द्वारा जो भी हमारे पास कन्वेंस उसके द्वारा हम उसको कस्टमर के पास भेज देते हैं। वैसे तो दोस्तों पूरी दुनिया आज के समय में डिजिटल हो चुकी है और सारा काम डिजिटली किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको किसी को लीगल नोटिस इशू करना हो या फिर आपको अपना खुद का घर खरीदना हो तो वहां पर आपको किसी डिजिटल पेपर की नहीं
बल्कि यहाँ पर स्टैम्प पेपर्स की जरूरत होती है, समझ रहे ना, पेपर्स। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर जो है वो पूरी दुनिया में अपना अलग महत्व रखती है और इसकी इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि ये वास्ट फील्ड में काम में लाए जाते हैं। A4 शीट से लेकर बड़े बड़े कार्टन बॉक्सेस तक ये सभी पेपर से ही बनाए जाते हैं। और अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आईडी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी और आपको इससे क्या क्या सीखने को मिला, जल्दी से बताएं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में।